सेलिसलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर फिनॉल बनता है बेंजीन में छह कार्बन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले कार्बन से ओ एच OH समूह को जोड़ देते हैं तो इसे फिनॉल कहते हैं और दूसरे कार्बन से सी डब्लो एच समूह को जोड़ देते हैं। तो इस यौगिक को सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है आप चाहे तो इसे पहला कार्बन मान लो और इसे दूसरा और इस पहले कार्बन से क्रियात्मक समूह ओ एच को जोड़ दो दूसरे कार्बन से कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह सी डब्लू एच समूह इस समूह को जोड़ दो तो यह सेलिसिक अम्ल होगा सेलेसिलिक सेले अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है इसके साथ हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। जिसे हम बिना बूझा चूना भी कहते हैं कास्टिक सोडा और चूने का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है जब सेलिसलिक अम्ल को सेलिसलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है और फिनॉल बनता है इस अभिक्रिया को याद रखने का तरीका बहुत ही सरल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो है तो आपको क्या करना है इसे बाहर निकालना है एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन वन टू थ्री सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है एच और ओ एच मिलकर जल बनाते हैं। और यह हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाता है तो फिनॉल बनता है चलो इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अभिक्रिया कैसे होती सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु इस समूह के साथ क्रिया करता है क्योंकि यह शार होता है और यह समूह अम्लीय समूह है अम्ल के साथ क्षार अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाता है अम्ल से एच प्लस आयन प्राप्त होते हैं इस अम्ली अम्लीय समूह से एच प्लस आयन प्राप्त होते हैं और क्षार से ओ एच माइनस दोनों मिलकर जल बनाते हैं और सोडियम जो कि धनावेश ऑक्सीजन ऋण और हाइड्रोजन धनावेश यह सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है H प्लस और एच माइनस के साथ जुड़कर जल का अणु बनाता है इसे हम सैलिस अम्ल कहते हैं सेलिसिकम्ल इसका सामान्य नाम है यह प्रचलित नाम है और इस लावण को सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं सैलिसिलेट कहते हैं सोडियम और इस ऋणायन को इस पूरे ऋणायन को सेलिसलेट कहा जाता है सोडियम सेलिसलेट सोडियम सेलिसलेट एनएच के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है और यह अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है इस अभिक्रिया में एने टू सी और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर तीन है सी थ्री सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ जाता है फिनॉल बनता है इस हाइड्रोजन को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं तो आप चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह भी लिख सकते हो अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु भाग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है और यह समूह अम्लीय समूह है तो क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है और फिनॉल बनाता है साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है ग्रिनयार अभिकर्मक से फिनॉल का निर्माण ग्रिनियार अभिकर्मक को इस सूत्र से प्रदर्शित करते एलकिल मैग्नीशियम हेलाइड इस एल्किल समूह के स्थान पर हम इस बेंजीन को जोड़ देते हैं बेंजीन का यह समूह फैनिल कहलाता है और हेलोजन के स्थान पर हम ब्रोमीन को जोड़ देते हैं फैनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस ग्रिन्यार अभिकर्मक से फिनॉल का निर्माण कैसे होता है ग्रिन्यार अभिकर्मक फैनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करवाई जाती है इस प्रकार बने उत्पाद का अपघटन करने पर फिनोल बनता है तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया कैसे होती ग्रीन अभिकर्मक फैनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश के उपस्थिति में क्या होता है ओटू अणु में डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा बंद होता है और एक पाईबंद होता है पाइबंद दुर्बल होता है सरलता से टूट सकता है प्रकाश की ऊर्जा से पाइबंद टूट जाता है प्रत्येक बंद में इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन योग में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन पर चला जाता है बन टूट जाता है इसे परऑक्साइड कहा जाता है अब आपको क्या करना है इस परऑक्साइड को यहाँ पर शिफ्ट करना है मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में शिफ्ट करना है तो फैनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पारोक्साइड बनता है यहाँ पर ग्रीनार अभिकर्मक के बहुत सारे अणु होते हैं तो ग्रीनार अभिकर्मक का एक अणु इसके साथ अभिक्रिया करता है आपको क्या करना है परोक्साइड का यह बंद तोड़ना और इसी तरह मैग्नीशियम और कार्बन के बीच इस बंद को तोड़ना इसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ना और इस समूह को दूसरी ऑक्सीजन से जोड़ना इस ऑक्सीजन के साथ एम को जोड़ना और इस ऑक्सीजन के साथ इस फैनिल समूह को जोड़ना इस फैनिल समूह को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है दोनों समान प्रकार के अणु हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो इनकी संख्या दो होती इसे यहां पर लिख देते हैं इस समूह को इस समूह को फिनक्सी कहा जाता है और इसके साथ जुड़ा होता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो इसका नाम क्या होगा फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब इसका जल अवघन करते मतलब जल के साथ अभिक्रिया करते करते इसमें जल मिलाते जल के दो अणु भाग लेते क्योंकि इसके यहाँ पर दो अणु होते हैं तो जल के दो अणु भाग लेते हैं जल में H प्लस और OH माइनस होता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है मैग्नीशियम धातु है इसकी विद्युत ऋणता कम होती है तो बंद यह बंद ध्रुवीय होता है बंद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप आ जाते हैं तो इस पर थोड़ा ऋणावेश और इस पर थोड़ा धनावेश होता है तो आपको क्या करना है इस बंद को तोड़ना है और इसी तरह यहाँ पर इस बंद को तोड़ना है जब जल के साथ किसी पदार्थ की अभिक्रिया होती है और पदार्थ टूट जाता है तो इसे हम जल अवघन कहते हैं अंग्रेजी में इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं अब आपको क्या करना है प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस को जोड़ना है इस ऋणावेश ऑक्सीजन के साथ हम इस धनावेशित हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो फिनॉल बनता है इसके अणों की संख्या डबल होती है तो प्राप्त फिनॉल के अणों की संख्या भी डबल होती है। दो एच प्लस इन दो अणुओं की ऑक्सीजन से जुड़ते हैं मैग्नीशियम धनावेश है धना थे और इसके साथ ओ एच माइनस जुड़ता है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है और इसकी संख्या भी डबल होती है तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में फैनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक अणु वायु से क्रिया करके परोक्साइड बनाता है इस पैरॉक्साइड के साथ फैनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का दूसरा अणु क्रिया करता है और फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है जिसका जल जलअघटन करने पर फिनॉल बनता है फिनॉल के साथ हाइड्रोक्सील मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है